Hey love, welcome back to my channel. Let's continue the secret of us, episode 4, spoiler. तो डॉक्टर फा अपने एक्सपेंसिव जर्मनी कार को ड्राइव कर रहे थे। डेस्टिनेशन क्या थी ये ना तो उसे पता थी और ना ही उसके पैसेंजर आर्न को। लड़ा बस ड्राइविंग कर रही थी और आर्न विंडो से बाहर की ओर देख रहे थे। लड़ा की हाथ धीरे से आर्न के हाथ को होल्ड करती है, पर लड़ा अपने हाथ को हटाती नहीं है। आर्न उसके फेस को नोटिस करती है, मानो उसके डॉक्टर अगेन वो एकदम पॉलिट पर्सन और काइंड हार्टेड पर्सन बन चुके हैं। डॉक्टर, आर्न कहते हैं। यस, लड़ा रिप्लाई करती है। उसकी वॉइस एकदम शांत थी, उसमें कोई गुस्सा नहीं थी। आर्न कहती है कि मेरे स्टमच पर पेन हो रही है। लाडा थोड़ी रिएक्ट करती है, ज़्यादा पेन हो रही है क्या? वैसे मिस सनी थारा को तो उतनी पेन नहीं हो रही थी, पर वो बस देखना चाहती थी लाडा कैसे रिएक्ट करती है। आर्न कहते हैं, मैंने डिनर पे कुछ खाई थी इसलिए अब वो ज़्यादा हर्ट हो रही है। क्या तुम्हें तो ज़्यादा पेन हो रही है? लाडा उसे आस करती है। उसकी वॉइस सुनकर आर्न की हर्ट मेल्टिंग करती है। नो, नॉट टू मच, लड़ा कहते हैं। ओके, कुछ टाइम बाद हम जाकर कोई कन्वीनियंस स्टोर रुकेंगे, वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ले लेंगे, आर्न कहते हैं। बट वो भी बंद नहीं होगी, लड़ा कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो तो 24 आवर्स ओपन है। अगले सीन में लड़ा की कार एक स्टोर के सामने रुकती है। डॉक्टर फा उन दोनों के लिए हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करती है। आर्न तो बस अपने डॉक्टर को ही देख रहे थे। डॉक्टर फा की लिप्स धीरे से कॉफ़ी के कप पर टच होती है और वो धीरे धीरे अपनी हॉट कॉफ़ी पीती है। आर्न के लिप्स उस कॉफ़ी पर टच होते ही वो सडनली कप को नीचे रखती है। वाह, इट्स सो हॉट। डॉक्टर फा आर्न की ओर देखती है। अगर वो ज़्यादा गर्म है तो उसे बाद में खाओ और अपने ध्यान रखो। डॉक्टर फा सोच नहीं पा रही थी कि वो इस क्रूएल वुमन की इतनी केयर क्यों कर रही है और बार बार वो उसे देख क्यों रही है। पास्ट की बात अलग थी जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसकी बहुत केयर करते थे, बट राइट नाउ उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। फिर अगले सीन में डॉक्टर फा लारा की जर्मन एक्सपेंसिव कार अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है और वो डेस्टिनेशन होती है एक हाई राइज कॉन्डोमिनियम एंड एक्सपेंसिव सेमी पेंट हाउस। ये पेंट हाउस बनाए गए थे इंटरनन ग्रुप की ओर से। डॉक्टर फा की एक यंग रिलेटिव ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करेगी। फिर ऐसे प्रोजेक्ट की पेंट हाउस बस वो लोग बनाती है जो बहुत रिच है और जिन्हें प्राइवेसी बहुत पसंद है। यहाँ एक लग्जरियस पार्किंग एरिया है और सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की नीड है। डॉक्टर फाइज पेंट हाउस को बनाए थे अपने बिजी लाइफ से थोड़ी ब्रेक लेकर, यहाँ थोड़ी रिलैक्स करने के लिए। डॉक्टर फा अपनी साइड की डोर ओपन करती है और अपनी स्लिम और टॉल बॉडी को रिवील करते हुए आर्न के लिए वेट करती है। और ऐसे वेट करते हुए अपने डॉक्टर को देख कर आर्न की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। पास्ट में डॉक्टर फा कुछ ज़्यादा ही आर्न के साथ इंटीमेट होना चाहती थी और वो बहुत फ्लर्टी पर्सन थी, बट नाउ वो फ्लर्टी पर्सन आर्न बन चुकी है और वो ही मानो डॉक्टर फा को ऑल टाइम सेड्यूस करने की कोशिश करती है। आर्न अभी डॉक्टर फा को एक डिफरेंट साइड से एक्सपीरियंस कर रही है। अ वन कैरेक्टराइज बाई अ कोल्ड एटीट्यूड और इवन हर्टफुल वर्ड्स। डॉक्टर फा की 901 रूम ओपन थी। फर्स्ट रूम में एंट्री करती है डॉक्टर फा खुद और पीछे पीछे आर्न आती है जो पूरे इंटायर रूम को बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। डॉक्टर फा एकदम शांत वॉइस में कहती है, यहाँ बस 3 रूम हैं जो कि बहुत ही प्राइवेसी के साथ बनाई गई है, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट सिक्योरिटी। आर्न धीरे से डॉक्टर कहकर बुलाती है। लड़ा जब पीछे टर्न करती है तो आर्न की आंखों से आंसू थी। उसकी आंसू देखकर
डॉक्टर फावी रो पड़ती है। क्यों तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों आए हो? व्हाट यू वांट टू मी? हाँ आन कहते हैं, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई ओनली वांट यू। एंड वो अगेन रो पड़ती है। आन को इतनी रोते देख कर सच में डॉक्टर फा बहुत पेन महसूस कर रही थी। जब हमारी ब्रेकअप हुई थी यू डिड नॉट वांट मी, नाउ यू वांट मी, व्हाट डू थिंक ऑफ मी मिस सनी थाडा? लाडा उसे आस्क करती है। डॉक्टर आन अगेन धीरे से उसके नाम कहते हैं। लाडा कहते हैं, आंसर मी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? वो न्यू पर्सन तुम्हें छोड़कर चली गई ना, एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन ओल्ड पर्सन हु इज ऑर्थलेस लाइक मी। आन भी कहते हैं, नो यू आर नॉट ऑर्थलेस, आप मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। लड़ा कहते हैं, ओ सबसे स्पेशल, पर तुम्हारी एक्शन वो तो बहुत अलग है ना, ये रियल लाइफ है, कोई ड्रामा नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई कैरेक्टर हूँ जिसे तुम बस मैनिपुलेट कर सकते हो। डॉक्टर फा की बातों से आन के दिल पर बहुत चोट लगती है। वो उस लग्जरियस पेंट हाउस के फ्लोर पर बस गिर जाती है और बस रोने लगती है। डॉक्टर ट्रस्ट मी, आप मेरे लिए सबसे स्पेशल पर्सन हो। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल दिखा जाती है। डॉक्टर फा की केबिन पर नॉक होती है। नर्स आकर उन्हें सेकंड कप कॉफ़ी देती है। वैसे तो डॉक्टर फा दिन में एक कप कॉफ़ी ही पीती है, पर आज इन्होंने ऑलरेडी दो कप पी चुकी है। नर्स कहती है, डॉक्टर कॉफ़ी के अलावा क्या आपको कुछ और चाहिए? बिकॉज ये ऑलरेडी आफ्टरनून के 1 PM हो चुकी थी। डॉक्टर फा कहते हैं, आज मेरे यहाँ कितने केसेस बाकी हैं? नर्स कहते हैं, ज़्यादा नहीं, बस लास्ट 1 केस बाकी है, फिर उनकी एक अलग शेड्यूल है फ़ोटोशूट की। फिर नर्स चली जाती है बिकॉज वो जानती है कि उसकी ये रिक्वेस्ट बेकार है। डॉक्टर फा अपनी डॉक्यूमेंट पर बिजी थी। पेंट हाउस पर मिस सनी थारे की वो आंसू की वजह से डॉक्टर फा को 3 रातों तक अपनी स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी, और अगर ऐसे ही चलते रहे ना तो वो बहुत जल्दी बीमार होने वाली है, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करती है। बट फिर भी सब कुछ समटाइम्स इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच में किसी को लव करते हो और उसके रिलेटिव कुछ भी भूलना इतनी ईजी है, तो फिर शायद वर्ल्ड में लव बहुत ईजी चीज़ है। डॉक्टर फा कभी नहीं भूली है कि वो इस वुमन को कितनी ज़्यादा लव करती थी। उसकी क्राइंग इमेज, वो सारे मेमोरीज, रातों में ठीक से नींद नहीं आना, ये सब कुछ वो नहीं भूल पाई है। सब कुछ भुलाने के लिए वो अपने काम पर ध्यान दिए थे, खुद को डेवलप करने की कोशिश की थी, बट फिर भी स्टिल उसे सब कुछ याद है, एवरी वर्ड एवरी एक्शन। उसकी बस उसे हाथ जोड़कर ये पूछना कि उसे वो क्यों छोड़ रही है और इस रिलेशनशिप को वो क्यों ब्रेक कर रही है। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना, बट लास्ट में उसे क्या मिला? बस हार्ट ब्रेकिंग। आन तुम मुझसे अगेन क्यों मिले जबकि मैं ऑलरेडी स्ट्रांग बन चुकी थी? उसकी पास्ट उसे उस वुमन को बोलने नहीं दे रही थी, उसकी ब्रेन बोल रही थी कि उसे लव करना बंद करो, बट उसके दिल वो सारे लव फीलिंग्स को इरेज नहीं कर पा रही है। अगले सीन में शूटिंग रूम दिखा जाती है। मेकअप आर्टिस्ट इक्की से आस्क करता है कि आर्न कहाँ है। इक्की उसे कहता है कि आर्न दूसरे रूम में है कॉज उसके स्टोमच पर पेन है, और एक्सीडेंटली ये बात डॉक्टर फा सुन लेती है। शूटिंग प्लॉट एकदम रेडी थी, आज बस कुछ फ़ोटोशूट होने वाली है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। डॉक्टर फा की सिंगल फ़ोटोशूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है बिकॉज वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसे एडिट करने का कोई मतलब नहीं है। उसकी आंखें उस क्रिबल वुमन की ओर जाती है जो साइड में चुपचाप खड़ी थी। उसकी एक्सप्रेशन एकदम शांत थी, पर डॉक्टर फा की आंखों में वो दिख जाती है जो कोई नहीं देख पा रही थी। एक स्माइल से उसे अगेन पास्ट के बारे में सब कुछ याद आती है। स्टिल
एंड वही परफ्यूम यूज़ करती है। एंड नाउ टाइम थी उन दोनों की एक कपल पिक्चर की, जहाँ वो दोनों बहुत ही क्लोज खड़े थे एक दूसरे की, एकदम फेस टू फेस। आन की एक्सप्रेशन मानो वो फोर्स कर रही थी खुद को कुछ भी फीलिंग्स नहीं दिखाने की। ये सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे की फेस देखना नहीं चाहती थी, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी एक दूसरे के सामने खड़े होकर फ़ोटोशूट करनी पड़ रही है। डॉक्टर फा की फेस पर भी ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो वो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सडनली उसकी आँखें उस क्रूएल वुमन के बैग पर जाती है, जो एक स्लीपलेस ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी। डॉक्टर फा को बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई उसे एक वर्थलेस ट्रीट करे। वैसे तो वो क्रूएल वुमन आन ऑलवेज उसके साथ बात करना चाहती है, बट दिस टाइम वो ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो वो दोनों बस एक साथ अपनी जॉब कर रही है। आन अपने हिप्स पर डॉक्टर फा के हैंड को महसूस करते हैं और डॉक्टर फा उसकी बहुत क्लोज आ चुकी थी। फिर ये डायरेक्टर की ऑर्डर था। आन की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो अपने लिप्स को टाइटली प्रेस कर लेती है। सडनली एयर कंडीशन कुछ ज़्यादा ही कूल हो चुकी थी। आन को अपने स्टोमच पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है। आन धीरे धीरे ब्रीदिंग लेते हुए डॉक्टर फा की आर्म्स पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर फा जल्दी से उसे होल्ड करती है। आन आन आर यू ओके, डॉक्टर फा आस्क करती है। आन शायद क्यों डेज, इसके बाद क्या होगी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।